क्यों क्या मेड़ का ची अपने शिवा, मैं तुझे दुविधा में कैसे ढालती कि मैं और रसान में किसी एक को चुन। मेरे जीवन का मकसद तो उसी दिन पूरा हो गया था जिस दिन तूने पूरे समाज के सामने मुझसे ब्याह किया था, मुझे सम्मान दिया था हो सके तो मेरी हर गलती को माफ कर देना शिवा। कुछ ऐसी लुटेरी दुल्हन की कोई किस्मत नहीं होती, तेरी बनके मेरी तो किस्मत ही सवर गई। देख, आज मैं तेरी सुहागन बनके मरूंगी शिवा। हमारे पास गोलियां कम है और ये लोग ज्यादा, हम मर जाएंगे। पागल हो गया शिवा, हम सबको मार डालेगा वो। जिस मकसद के लिए हम यहाँ आए हैं ना, उस मकसद के लिए हमारा जिंदा रहना जरूरी है, समझा? हमें भागना होगा यहाँ से। चीता, भाग! लड्डू, ठीक है ना? गए डरपोक कहीं के, अरे हमलावर बने घूमते थे ना, पीठ दिखा के भाग गए। मेनका जी के बलिदान को मैं बेकार नहीं जाने दूंगा। उन हमलावरों को उनके मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगा मैं, जो चाहे हो जाए। पर इनके इरादे क्या थे भाई साहब? शायद मैं जानता हूं कि इनका इरादा क्या है।
मैं समझी नहीं। ये तो अपने जिले के डीएम साहब की तस्वीर है। और आज डीएम साहब महाशिवरात्रि की पूजा के लिए पंचायत भवन आने वाले हैं। इसका मतलब इनका इरादा डीएम साहब की हत्या करने का था। हमें किसी भी तरह डीएम साहब तक ये बात पहुंचानी होगी भाई साहब। डीएम साहब समारोह के लिए निकल चुके हैं और उनका कहना यह है कि वो ऐसी धमकियों की परवाह ना करते हैं। पूरा किए ना ये लोग भेज बदल के वहां जरूर आएंगे अपना मकसद पूरा करने के लिए, और जब आएंगे ना तो वो शिवराज उमेश प्रताप सिंह की नजरों से बचना पाएंगे, तू देख लियो।